हे दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो पे। तो यार, ये जो मेरी आज की वीडियो है ना, सीरियसली यार, आप में से 60% ऐसे लोग होंगे जिनके लिए वीडियो काफ़ी काम की रहने वाली है, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, वो कुछ टिप्स लेते हैं मेरे से, मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि यूट्यूब पर रहती है। आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक ऐसी डिमांडिंग टॉपिक पे वीडियो दे रहा हूँ जिस पे आप लोगों का कुछ ऐसा था कि यार, कमेंट इतने ज़्यादा आते थे कि अमित भाई, आप अपनी यूट्यूब वीडियोस कैसे शूट करते हो, अमित भाई आपकी यूट्यूब वीडियोस में ब्लर कैसे आ जाता है इतना सारा बैकग्राउंड में। मैंने बताया था कि मैं किट लेंस से शूट करता, तो कई लोगों का क्वेश्चन था कि यार, एक किट लेंस से आप कुछ इस टाइप का ब्लर कैसे ले आते हो, इस टाइप का बोके कैसे ले आ सकते हो। मैंने बताया था कि यार, मैं कैनन 700D जो कि एक बहुत ही बिगनर लेवल DSLR है, मैं उसका यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई कि यार, एक बिगनर लेवल DSLR और एक किट लेंस से कैसे हो जाता है ये सब। तो आज की इस वीडियो में आपका मैं यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन डेमोस्ट्रेशन और ट्यूटोरियल कुछ इस टाइप का होगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको किसी टाइप का कोई प्रोफेशनल कैमरा या पोर्ट्रेट लेंस वगैरह नहीं लेना पड़ेगा अपनी यूट्यूब वीडियोज़ शूट करने के लिए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, टाइम की बात करूँ तो तकरीबन 1 बज रहा है और धूप आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो इस कड़ी धूप में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ सिर्फ दोस्तों आप लोगों के लिए, कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। तो प्लीज़ यार, इस वीडियो को लाइक्स की कमी मत रहने देना। सो गाइस, आपको सिर्फ सिर्फ जो मैं अभी स्टेप्स बताने वाला हूँ, प्रिकॉशन देने वाला हूँ, आपको बस इनको फॉलो करना है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। अब सबसे पहली चीज़ का दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जिस जगह पर आप अपनी वीडियो को शूट कर रहे हो उसका जो बैकग्राउंड है दोस्तों, उसमें कुछ पेड़ पौधे, कुछ बिल्डिंग वगैरह या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको आपका कैमरा ब्लर करे। इनकेस आप कुछ ऐसे बैकग्राउंड में हो जहाँ पर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ही खाली है, क्लियर है, तो आपका कैमरा किसको ब्लर करेगा और आपको बिल्कुल भी मज़ा ना आएगा। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखें कि जिस भी जगह पर आप वीडियो शूट कर रहे हो वहाँ पर कुछ चीज़ें हों ब्लर करने की, खासकर पेड़ पौधे हों, क्योंकि ये जो ग्रीनरी होती है ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है और काफ़ी अच्छा कैमरा जो है वो कलर बैलेंसिंग करता है, जो कि एक काफ़ी सही वीडियो लेके आता है। तो ये बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अब बात करूँ दोस्तों अगले स्टेप की, तो वो कुछ इस तरह से है कि आपको अपनी जो लेंस की फोकल लेंथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। मेरे कहने का मतलब, जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 55 to 250 mm, तो मैं कम से कम अपनी जो फोकल लेंथ रहती है वो 200 के आसपास या फिर आप समझ लीजिए कि 150 के आसपास ले जाता हूँ। अब इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि जितनी ज़्यादा मेरे कैमरे की फोकल लेंथ होगी, उतनी लेंस की जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मेरा जो कैमरा है वो कर पाएगा। तो डैम श्योर ये रहेगा कि आपको जो है वो फोकल लेंथ या तो अपने कैमरा की पूरी फोकल लेंथ यूज़ कर लेनी है या फिर कम से कम 150 के आसपास आपको फोकल लेंथ यूज़ करनी है। अगली चीज़ दोस्तों जो है वो है कि आपको अपने कैमरा को ऑटो फोकस में नहीं रखना है। भले आप मार्क टू यूज़ कर रहे हो या बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल कैमरा यूज़ कर रहे हो, आपको हमेशा दोस्तों अपने कैमरा को मैनुअल फोकस पे रखना है और मैनुअली फोकस को सेट करना है। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बार बार आपको जो है वो वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो जो ब्लर है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि चाहे जितना मर्जी प्रोफेशनल कैमरा है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कैमरा जो है वो छोड़ ही देता है थोड़ा बहुत। दैट्स द रीज़न गाइज, आपको जो है वो मैनुअल फोकस पे अपने कैमरा को सेट कर लेना अगर आप एक सही टाइप का और कंटिन्यूस फोकस चाहते हो या फिर कंटिन्यूस ब्लर चाहते हो बैकग्राउंड में। तो दैट्स द रीज़न गाइज, हमेशा अपने कैमरा को जो है वो आपको ऑटो फोकस में नहीं रखना है, मैनुअल फोकस में रखना है। अगली चीज दोस्तों जिसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है, जो कि एक बड़ी गलती होती है कि हम जो है वो बैकग्राउंड के बिल्कुल ही पास जाके खड़े हो जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, जबकि हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से कैमरा को ये पता नहीं चलता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और बैकग्राउंड क्या है, मेरे मतलब कि किसको फोकस में रखना है और किसको ब्लर करना है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जो आपकी बैकग्राउंड है उसमें और आपके ऑब्जेक्ट में कम से कम 4 से 5 फुट या 3 से 4 फुट का डिफरेंस रखना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कैमरा अच्छे से जज कर पाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट कौन सा है और आपका जो बैकग्राउंड है वो कौन सा है, जिससे वो आपको अच्छे ढंग से जो है वो एक अच्छा ब्लर इफेक्ट दे पाएगा। ऑन दी अदर साइड, मेरे जो भाई बहन वीडियो अंदर शूट करते हैं, इंडोर शूट करते हैं, अपने सेटअप पे शूट करते हैं, तो उनके लिए मैं टिप यही देना चाहूँगा कि गाइज, आपको जो है वो मेनली अपने
लाइटनिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी लाइटिंग कुछ अच्छी नहीं है तो आप भले जितना भी कोशिश कर लें वीडियो में कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो मेक श्योर आप कम से कम 20,000 का बजट रखें अपनी लाइटनिंग के ऊपर, जिसमें आप एक अच्छा सॉफ्ट बॉक्स लें या फिर एक अच्छी ट्री लाइट लें सिंपेक्स की, जिसकी लाइट काफ़ी अच्छा है। देन आफ्टर दोस्तों ये सेटिंग उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, तब भी आपको एक अच्छा ब्लर इफेक्ट मिलेगा बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड में आप डैम श्योर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखें जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सॉल्ट लैंप हो गया या फिर शोमी की बिसाइडर लैंप हो गई, या फिर और भी जो छोटे मोटे लाइटनिंग रहती है उनका यूज करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बोके इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इनकेस गाइस अगर आपकी लाइटनिंग उतनी अच्छी सही नहीं है तो आप अपने आईएसओ लेवल को 800 तक मैक्सिमम लेके जाके देखिए कि क्या 800 पर भी आईएसओ रखने पे आपकी वीडियो की जो लाइटनिंग है वो सही आ रही है। अगर सही आ रही है फिर तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो लाइटनिंग को अपग्रेड कीजिए। उसी के साथ अपर्चर जो है वो जितना हो सके कम यूज़ करिए, और शटर स्पीड का आप लाइटिंग के हिसाब से अपडेशन कीजिए कि जो लाइट है वो वीडियो में अच्छी है। मेनली इंडोर अगर आप शूट करना चाहते हो तो आपको अच्छी लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अगर आप चाहते हो कुछ इस टाइप का ब्लर। कैमरा सेटिंग में दोस्तों जो आपको सबसे पहली चीज करनी है वो ये है कि आपको अपने कैमरा का जो मोड है उसको मैनुअल मोड में लेके जाना है। अदरवाइज आप अपर्चर प्रायोरिटी जिसके आप एवी मोड बोलते हैं उस पर भी लेके जा सकते हो, लेकिन एवी मोड में क्या रहता है कैमरा आईएसओ अपने हिसाब से जो है वो आगे पीछे करता रहता है, जिससे क्या होता है कि कभी आपकी वीडियो में लाइट ज्यादा आ जाती है कभी कम आ जाती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। दैट्स द रीजन गाइस, आपको परफेक्ट ब्लर के लिए आपको अपने कैमरा को मैनुअल मोड में लेके जाना पड़ेगा। कैमरा का जो आईएसओ लेवल होता है उसको ऑटो में नहीं रखना है, उसको 100 पे रखना है, या फिर अगर आप थोड़ी शाम पे शूट कर रहे हो तो 200 पे रखना है। 200 से ऊपर आपको नहीं लेके जाना है क्योंकि नॉइज आना स्टार्ट हो जाएगा वीडियो में। सेकंड थिंग दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कैमरा की शटर स्पीड। अगर आपका क्लाइमेट कुछ इस तरीके से है, डे लाइट कंडीशन कुछ इस तरीके से है, तो कोशिश करिए अपने जो कैमरा की शटर स्पीड है उसको आप 200 से 250 पर ही रखिए। अदरवाइज आप अपने उस क्लाइमेट के हिसाब से भी उसको सेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 200 से 250 पर रखेंगे तो आपको जो वो काफी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों जो आपको सेट करनी है वो है पिक्चर स्टाइल। अगर आप पिक्चर स्टाइल की बात करें तो आपको कैमरा के जब आप वीडियो मोड पे लेके जाओगे तो वहां पर ऑप्शन आ जाता है पिक्चर स्टाइल दोस्तों, जो आपको वो पोर्ट्रेट में लेके जाना है। जी हाँ, अगर आप पोर्ट्रेट में लेके जाओगे तो काफी स्मूथ स्किन, काफी ग्लोइंग फेस आपका आता है वीडियो में, और काफी अच्छी वीडियो शूट होती है अगर आप उसको पोर्ट्रेट पिक्चर स्टाइल में करते हो। और तीसरी चीज़ दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है अगेन वो है अपर्चर। अपर्चर दोस्तों जो है वो आपको कम से कम 4.0 या फिर 4.5 पे रखना। अगर आप किट लेंस का यूज़ करते हो और उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर देते हो तो जो अपर्चर रहता है वो 4.0 या 4.5 के ऊपर आ जाता है, क्योंकि किट लेंस जो है उसका अपर्चर कुछ इसी टाइप का होता है। तो आपको कम से कम अपर्चर का यूज़ करना है, जितना आप कम से कम अपर्चर का यूज़ करोगे उतना ही आपको अच्छी वीडियो में बैकग्राउंड इफेक्ट मिलेगा। अगेन मैं आपको कुछ अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बताता हूँ जो मैं अपनी रखता हूँ। आईएसओ लेवल मेरा 100 पे रहता है, शटर स्पीड मेरी 250 पे रहती है, और जो मेरा अपर्चर है वो मेनली 4.5 पे रहता है। बस दोस्तों आपको कुछ ऐसी टिप्स का फॉलो करना पड़ेगा, कुछ इन टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जो है वो आप कुछ इस टाइप की वीडियो शूट कर पाओगे। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों अगर मैं हड़बड़ा में कुछ मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, बंदा तो वैसे परेशान हो जाता है। तो दैट्स द रीज़न गाइज, होप सो इस वीडियो को देख के आपको आज कुछ सीखने को मिला है और आप इसको ज़रूर से ज़रूर इंप्लीमेंट करोगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाओगे। मन में कोई भी कन्फ्यूज़न चल रही है नीचे कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी उस क्वेश्चन का जवाब देने की। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सलामत रहे। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा ही ब्लर इफेक्ट चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के साथ अपने दिमाग का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन हर बार सेम नहीं रहती है, तो आप उसका भी ध्यान में रखें। बाद में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये मत आगे बोलना कि अमित भाई यार हमने तो ऐसा किया, हमको तो ब्लर मिला ही नहीं। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।